फ्रेंड्स और छात्रगण, मैं रामस्वरूप सर, ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी की पहली क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्या इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के सिलेबस में आपको कौन से पोर्शन पढ़ने हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सके। इसीलिए मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे आज लिखा है ज्योग्राफी सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी जीएस, ताकि जब आप घर में भूगोल की पढ़ाई किया करें तो आप ये देख लें कि आपको कौन कौन से चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़नी है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सके। जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वो आपके ज्योग्राफी का सिलेबस जीएस का है, ना कि एक स्पेशल पेपर का। मेरा कहने का ये अर्थ है कि ये सिलेबस में आपको दिखाया गया है कि आपको कौन कौन से पोर्शन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़नी है। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर कि उसके माध्यम से आप अपने देश, प्रदेश, जिला, महादेश, विश्व की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आप देखिए कि मैंने जो सिलेबस लिखा है उसके माध्यम से आप इंडिया और वर्ल्ड के बहुत सारी बातों का ध्यान रख कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने भविष्य को भी संवार सकते हैं। जैसे मैंने सिलेबस में लिखा है उसके अनुसार आप स्पष्ट देखिए कि आपको आप अपने देश, प्रदेश, जिला का अध्ययन करना है भूगोल के ख्याल से, तो आपका उसका भौगोलिक परिचय जानना जरूरी होती है। इसके अलावा आप अक्षांश और देशांतर के माध्यम से आप ही बता सकते हैं कि आपको आपकी स्थिति कैसी है, आप कहाँ पे हैं, कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, कहीं मौसम खराब है तो ऐसा क्यों है, विश्व का समय अभी वर्तमान में इंडिया में ऐसा है तो वर्ल्ड में समय कितना कहाँ हो रहा होगा, ये सारी बातें आप अक्षांश और देशांतर के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अलावा नदी आपवाह प्रणाली, भूकंप, ज्वालामुखी, मानसून, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एग्रीकल्चर, खनिज, मिट्टी की जानकारी भूगोल को पढ़ने के बाद ही आप जान सकते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे वर्तमान में इंडिया में जब भी बात होती है जीएस की बात तो भूगोल का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मैं चाहूंगा कि भारत का भूगोल पढ़ने से पहले आप भारत का भौगोलिक परिचय, दैट मीन्स ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया चैप्टर को पढ़ा जाए, ताकि भूगोल के सारे चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर भारत के भूगोल का आपको भौगोलिक अध्ययन ही मालूम नहीं है तो निश्चित तौर पर आने वाले सारे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जब भी भूगोल की चैप्टर पढ़ी जाए तो सबसे पहले भारत के भौगोलिक परिचय का अध्ययन किया जाए, उसके बाद ही अन्य चैप्टर को पढ़ी जाए। एक बात आपको छात्रगण, मित्र, ध्यान रखना है कि जब हम क्लास लेंगे तो क्लास का दो पैटर्न होगा। आपको सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे, मैप पे उस पाठ्यक्रम जो लिखी हुई है उसको आधे घंटे, एक घंटे समझाई जाएगी, और जो बात समझाई जाएगी उसको बाद में ऑफलाइन क्लास की तरह आपको क्लास में नोट्स भी लिखाया जाएगा। मतलब हम ये कहना बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि भले ही क्लास ऑनलाइन है लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई अंतर आपको नहीं लगेगा। मैं पूर्व में भी पहले पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, जब समझ जाते हैं आप लोग तो मैं उसका फिर नोट्स लिखाता हूँ, एकदम सेम टू सेम। मैंने पहले पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, फिर आपको नोट्स लिखाऊंगा। इस दौरान जब मैं समझाऊंगा आपको कॉपी, पेन, कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझाएंगे उस समय केवल आपको समझना है, लिखना बाद में है। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी, और जब बाद में आप नोट्स पढ़ाई किया करेंगे तो लगेगा ये मेरे लिए बहुत ही इजी है। आपको इजी तभी लगेगा जब पहले से आप वह चैप्टर को हमारे लेक्चर के माध्यम से जो समझाया जाएगा उसे समझ चुके होंगे।
अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में कि नोट्स क्या बोलता है और सर लेक्चर क्या दिया है। मैं आपको वही नोट्स लिखवाऊंगा जो अभी व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। तो आज मित्रों छात्रगण, आज हम भारत का सिलेबस का पहला चैप्टर ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक परिचय की जानकारी लेंगे और उसके बाद जो बताई जाएगी या तो आज ही क्लास में या तो कल आपको उसका नोट्स दिखाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज हम फर्स्ट चैप्टर पाठ्यक्रम के अनुसार भारत का भौगोलिक परिचय ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये चैप्टर है। अब आप परिचय जानना है तो हम सबसे पहले इस इंडिया के मैप पास के समीप आते हैं। हम परिचय दे रहे हैं इस इंडिया का और जो परिचय दिया जाएगा उसकी नोट्स आपको लिखाई जाएगी। इस ध्यान पूर्वक आपको केवल अभी सब देखना है कि मैं क्या बोलता हूं। जैसे भारत में जो महादेश है उसमें एक एशिया महाद्वीप है जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। उसी एशिया में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरा विश्व के स्थल को दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं अंगारा लैंड, एक को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अगर अंगारा की बात करेंगे तो अंगारा लैंड में उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड का इलाका, यूरोप और यूरेशिया आता है, जबकि गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय भाग, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का भाग आता है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारत गोंडवाना लैंड का, भारत गोंडवाना लैंड का, मैं लिख देता हूं यहीं पर लिखता हूं, भारत गोंडवाना लैंड का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है या भारत गोंडवाना लैंड का एक भाग है। अब यहां देखेंगे तो जो ये गोंडवाना लैंड है हमारा भारत, ये भारत का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा क्षेत्रफल, मतलब पूरे विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत से और कुल कितने देश बड़े हैं, तो छह ही बड़े हैं। सातवां नंबर का देश कौन है पूरे वर्ल्ड में, तो मेरा भारत है। और यह भारत विश्व का 2.4 एरिया अपने पास रखे हुए है। दैट मीन्स 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम देखेंगे जो इंडिया का आकार है उसके अनुसार ये सबसे ऊपर में जो राज्य है वो जम्मू एंड कश्मीर, जिसका डिवीजन होकर अभी डिवीजन होकर हो गया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। सबसे नदर्न ये राज्य है, सबसे उत्तरी राज्य है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है, तमिलनाडु। जबकि भारत का सबसे पश्चिमोत्तर वेस्टर्न जो स्टेट है वो है गुजरात, और भारत का सबसे ईस्टर्न जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। मतलब भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। ऐसे में नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है
वो है 3214 किलोमीटर, जबकि इसकी पश्चिम से पूरब जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। मतलब भारत की लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई थोड़ी सी कम है लंबाई की अपेक्षा। अब हम ये देखेंगे कि जो इंडिया है वो भारत के, ये हम बता दें आपको पहले, सबसे पहले कि किसी भी मैप के सामने खड़े हो जाएं तो सर की ओर जो पोजीशन है, जैसे यहां वो होती है नॉर्थ, जो पैर के नीचे पोजीशन है नीचे वो होती है साउथ, दाहिनी ओर होती है ईस्ट, बाई ओर होता है वेस्ट। जैसे ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। मित्र छात्रगण, आप ये देखिए कि गुजरात से लेकर तमिलनाडु और तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक आपको एक ब्लू कलर दिख रही है, नीला कलर। ये मैप में नीला कलर शो करता है वाटर का, पानी का। मतलब भारत का वेस्ट, भारत का साउथ और भारत का ईस्ट पानी से घिरा हुआ है और वो पानी का एरिया है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का ही एक भाग है अरब सागर पश्चिम की ओर और पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी, लेकिन ये है इंडियन ओशियन। तो भारत तीन ओर पश्चिम, दक्षिण, पूरब पानी से घिरा हुआ है और ऊपर का भाग स्थल से घिरा हुआ है। तो भूगोल का या भूगोल में एक बात होती है, एक परिभाषा है कि वर्ल्ड का ऐसा कोई भी एरिया जो तीन ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से घिरा हो, ऐसे एरिया को बोला जाएगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप दैट मीन्स पेनिनसुलर। तो हम कह सकते हैं भारत विश्व का एक अति महत्वपूर्ण प्रायद्वीप वाला देश है। देश है लेकिन प्रायद्वीप वाला देश है, क्योंकि इसके तीन ओर पानी है और एक ओर स्थल है। नॉर्थ पूरा स्थल और वेस्ट साउथ ईस्ट पूरा वाटर। दैट मीन्स इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, भारत एक प्रायद्वीप वाला देश है। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता, प्रश्न आता है प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है, और ऑप्शन रहता है जिसके स्थल के एक ओर जल हो, दो ओर जल हो, तीन ओर जल हो, चार ओर जल हो, तो उसका उत्तर होगा जिसके तीन ओर जल हो। अगर चार ओर जल हो जाएगा तब तो द्वीप बन जाएगा, आइलैंड्स बन जाएगा। इंडिया द्वीप वाला देश नहीं, इंडिया एक प्रायद्वीप वाला देश है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया द्वीप देश है, श्रीलंका द्वीप वाला देश है, मालदीव द्वीप वाला देश है, लेकिन मेरा भारत एक प्रायद्वीप वाला देश है। अब आगे बढ़ते हैं इस परिचय में। अब ये परिचय में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर जो बन के हो गया अभी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो बट गया है, इस जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर का एक पॉइंट है, एक सबसे ऊपर का पॉइंट है ये पॉइंट, एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट सबसे नीचे, एक पॉइंट गुजरात के सबसे लास्ट में और एक पॉइंट अरुणाचल के भी सबसे लास्ट में।
हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि भारत का जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जो राज्य है, उस राज्य का सबसे अंतिम जो पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको जानना है। जैसे भारत का सबसे जो उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके सबसे जो उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी जो बिंदु है, उस उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल क्या है तो उसका उत्तर होगा यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। जबकि भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में है। जबकि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में है उसका नाम है गौर माता। कौन माता? गौर माता। लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड है, क्योंकि ऑप्शन में पश्चिम बिंदु में नाम द्वारका का भी है, भुज का भी है, सर क्रीक का भी है और गौर माता का भी है। जैसा ऑप्शन रहा वैसा आपका उत्तर होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है गौर माता। लेकिन उत्तर द्वारका भी है, भुज भी है और सर क्रीक भी है। उसी प्रकार जो पूर्वी बिंदु है उस बिंदु का नाम है की वी थू या कभी कभी नाम आता है वालुंगा। अगर रहेगा क्वेश्चन कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, अगर ऑप्शन में वालुंगा रह गया तो उसका उत्तर वो भी होगा। वालुंगा ना होकर अगर उत्तर रहेगा किवीथू तो उसका उत्तर किवीथू भी होगी। अब यहां पे हम चार पॉइंट जान गए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, पश्चिमी बिंदु गौर माता, लेकिन द्वारका भी है, भुज भी है और सरक्रिक भी है। सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू या वालुंगा और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में है। लेकिन एक पॉइंट है परिचय में, भारत और मुख्य भारत। गौर कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भारत और मुख्य भारत। जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि भारत और मुख्य भारत में अंतर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि भारत क्या है और मुख्य भारत क्या है। जैसे जैसे गौर कीजिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए तमिलनाडु और गुजरात से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, इस सबसे बड़ी भूमि दिखती है जो सब आपस में टच है, इसे बोलते हैं मुख्य भारत। लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में यहां भी हमारा एक राज है, यूनियन टेरिटरी राज, केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार और यहां है लक्षद्वीप, ये भी हमारा भारत का ही एक राज्य है, नाम है केंद्र शासित राज्य। मतलब भारत तो ये भी है। तो हम ये बताना चाहते हैं, अगर बोलेगा भारतीय भूमि या भारत तो मुख्य भाग भी और आइलैंड्स भी, मतलब इंडिया का मेन लैंड्स
एंड आईलैंड्स, दैट मीन्स भारत। लेकिन जब बोलेगा मुख्य भारत, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर, समझ गए होंगे आप लोग कि मुख्य भारत और भारत में अंतर क्या है। जब बोलेगा भारत ओवरऑल विथ आइलैंड्स, जब बोलेगा मुख्य भारत, तो उसमें आइलैंड्स को ऐड नहीं किया जाएगा। अब हम एक पॉइंट पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये मुख्य भारत, तो ये जो कन्याकुमारी है, वो कन्याकुमारी भारत का नहीं, कन्याकुमारी मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भारत का है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अंडमान निकोबार है, और सॉरी, अंडमान निकोबार जो है वो दिख रहा है कि तमिलनाडु से ज्यादा नीचे है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो सबसे दक्षिणी राज्य अंडमान निकोबार है और तमिलनाडु इससे उत्तर में है। अब ये जो अंडमान निकोबार है, इसका भी कोई ना कोई लास्ट पॉइंट तो होगा। जब ये लास्ट पॉइंट है तो स्पष्ट है, मैंने पहले बता दिया है भारत और मुख्य भारत में क्या अंतर है। तो हम यहां कह सकते हैं कि मुख्य भारत का सदर्न पॉइंट कन्याकुमारी, मुख्य भारत का, लेकिन भारत का सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बोलिए, पिग्मेलियन पॉइंट बोलिए या लाचिंग पॉइंट बोलिए, तीनों एक ही नाम है। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं करना है। प्रश्न आता है कि मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो तुरंत मन में आना चाहिए कन्याकुमारी। और जब प्रश्न ये आ जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, भारत का, तो आपका उत्तर आना चाहिए इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या लाचिंग पॉइंट। स्पष्ट है कि प्रश्न अगर ये आ जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन से राज्य में है, तो उत्तर होगा अंडमान निकोबार। और बोलेगा मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है, किस राज्य में है, तो उत्तर होगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु।